तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चेंजिंग फिलॉसफी ऑफ ज्योग्राफी। तो चेंजिंग फिलॉसफी ऑफ ज्योग्राफी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि भूगोल कैसे बदला, भूगोल में जो विचार पद्धति थी वो कैसे समय के साथ बदला। तो ये पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल था, उसका जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा कवर करेगा इस चैप्टर में। हम लोग इससे पहले मीनिंग एंड स्कोप देख चुके हैं कि भूगोल है क्या और भूगोल ये क्या है, इसके साथ साथ इसमें किन चीजों की प्रधानता रही, क्या चीजें छूटी और क्या चीजें नई ऐड हुई, ये इसमें पढ़ेंगे। और एक तरीके से इसके हर जो पॉइंट्स हैं वो अपने आप में एक चैप्टर है, जिसमें से कुछ को हम लोग और पढ़ेंगे और कुछ को अगर आप लोग मास्टर्स करेंगे तो उस समय पढ़ेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न डे के भूगोल का, तो मॉडर्न डे ज्योग्राफी होती है कब से शुरू, कि जब ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन का समय आया, भौगोलिक खोजें शुरू हुई। अच्छा आप बताइए, यूरोप में जो था अंधकार युग था एक समय, पता है नहीं? तो मध्यकाल में यूरोप में एक अंधकार युग आया, जिस समय कि यूरोप पे मुस्लिमों और अरबों का आक्रमण शुरू हुआ और यूरोप के जो सारे ट्रेडिशंस, ग्रीक ज्ञान थे, यूनानी ज्ञान थे, वो पीछे रह गए और चर्च की प्रधानता हो गई। फिर उसको ललकारते हुए कुछ लोगों ने पुनर्जागरण शुरू किया, रेनेसा। तो रेनेसा के कारण भूगोल में, रेनेसा के कारण जो था फिर से लोगों में साइंटिफिक डिस्कवरीज के प्रति जानकारी लेने के लिए या उसके प्रति इच्छा उत्पन्न हुई। उस दौर के कुछ राजाओं ने बेसिकली नीदरलैंड के और ब्रिटेन के राजाओं के आसपास के जो लोग थे, स्पेन के लोगों ने भौगोलिक खोजों के लिए प्रोत्साहित किया। क्यों प्रोत्साहित किया? तो पहले जो था भारत से व्यापार होता था यूरोप का, भारत से मसाला, सोना और इन चीजों का व्यापार अरबों के थ्रू होता था, जो अरब थे उनके थ्रू होता था। अब चूंकि अरबों से यूरोप का युद्ध चलने लगा तो अरब तो अब से अब कुछ सामान ले नहीं सकते थे वो, तो उन्होंने कहा कि समुद्र के नाते हम लोग भारत से एक रूट खोज लेते हैं जिससे हमारी निर्भरता अरबों से खत्म हो जाए। इसके नाते एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का शुरू हुआ और उस तरीके से यात्रा शुरू हुई, कोलंबस की, वास्को डी गामा की, भारत खोजा गया, अमेरिका खोजा गया और डच लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देश खोजे गए और इस तरीके से विभिन्न महाद्वीपों के जो चीजें थी ये सारी हुआ। इस युग को ये अर्ली 20th सेंचुरी था, 20th सेंचुरी का मतलब 1900 ईस्वी के आसपास, 1800-1900 ईस्वी, 1700-1800-1900 ईस्वी के आसपास जो था, 1700 ही शुरू हो जाता है, 1600 से ही कह लीजिए, 1600 से शुरू होता है और ये क्रम चलता है 1700-1800 तक। तो ये जो था उससे सबसे पहला युग था, ये पहले से आ रहा है और ये कब तक रहा, 1900 की शुरुआत तक रहा। इस युग में बेसिक था इस युग का पैराडाइम एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी। एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी में क्या अंतर है? एक्सप्लोरेशन होता है कि जो चीज है हमारे पास उसको और ज्यादा ये क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से खोजना। जैसे पता था भारत के बारे में लेकिन भारत कैसे जाना है और क्या कहाँ किस रास्ते से जा सकते हैं ये है। और डिस्कवरी हुआ जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं उसको खोजना, जैसे अमेरिका के बारे में, अमेरिकी महाद्वीप के बारे में पता ही नहीं था वहाँ, तो अमेरिकी महाद्वीप की डिस्कवरी हुई। इसका मेथड भी एक्सप्लोरेशनल था कि हम लोग बस निकल जाते थे नाविक अपना नाव लेके और कहाँ खोजना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलोनियल था। कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलोनियल होने का मतलब है कि उद्देश्य या विशेषता, कॉलोनियल होने का मतलब है कि क्या चाह रहे हैं वो, तो उपनिवेश बनाना चाहते थे वो जिस नए देशों को खोज खोज के, और बनाए भी। उपनिवेश बनाने का मतलब क्या हुआ कि उपनिवेश वह ऐसा प्रदेश होता है किसी भी जगह का, जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन वालों ने भारत को खोजा या अमेरिका को खोजा, अमेरिका को ही खोजा मान लेते हैं हम लोग, अमेरिका को खोजा, अब क्या करेंगे, अमेरिका के या भारत के सारे संसाधनों का उपयोग वो क्या करेंगे, अपने डेवलपमेंट के लिए करेंगे, ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए, ना कि अमेरिका और भारत के डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ अपने यहाँ से तैयार माल को बेचेंगे। इसको कहते उपनिवेश, जहाँ पे एक कॉलोनी जो होती है, ये कॉलोनी का मतलब हो गया उपनिवेश, जो जैसे कि भारत और अमेरिका उस समय था, तो एक कॉलोनी जो होता है वो होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री या कॉलोनियल पावर जिसको कहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन था या फ्रांस था, स्पेन था, यूरोप के देश थे, उनके लिए उनके रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं। ठीक है, उस समय भूगोल बहुत महत्वशाली था। क्यों महत्वशाली था? क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव और गजेटियर स्टाइल से लोगों को कॉलोनी बनाने का प्रेरणा देता। जैसे डिस्क्रिप्टिव और गजेटियर स्टाइल क्या है इसको समझते हैं, कि जैसे ही लोग पहुंचते थे नए जगह पे तो उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे कि यहाँ ये नदी बहती है, यहाँ ये पर्वत है, यहाँ लोहा मिलता है या यहाँ सोना मिलता है, यहाँ हीरा मिलता है, और उसको लिखते थे। फिर वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, लोगों की क्या कमियां हैं, राजाओं की क्या कमियां हैं, इस तरीके की चीज को एकदम डिटेल वे में बस लिखते थे। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वर्णन करना।
नए जगहों पे गए, कॉलोनियल में मानसिकता के से डिस्कवरी किया नए जगहों का और उनके बारे में वर्णन किया। और गजेटियर स्टाइल इसको क्यों किया, अंग्रेजों ने चारों बगल गजेटियर लिखे, जैसे इलाहाबाद गजेटियर आपको मिल जाएगा, बनारस गजेटियर मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश गजेटियर मिल जाएगा, मतलब वो जहां जहां गए शहरों का उसके बाद राज्यों का उन्होंने डिस्क्रिप्टिव वर्णन किया बिना किसी साइंस के, साइंटिफिक टेम्पर के, जो उनको समझ में आया, जो उनको दिखा, उन सब को इन्होंने लिख दिया। आने वाले जो लोग रहे, व्यापारी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लोगों उनको इन जगहों के बारे में पता रहे, ठीक है। अब उसके बाद जब ये दौर बीता तो इस दौर में सबको सबकी जानकारी मिलती गई कि इसके बारे में, और सारी जगहों पे इन्हीं के कारण कब्जा हुआ कि अब हमारे पास जो अंग्रेज आए उनके पास जानकारी थी, भारत में यहाँ ये है, वहाँ वो है, इसको इससे लड़वाया, फिर हमारे कल्चर को जान लिया, हमारे लोगों को कल्चरली उन्होंने वीक बनाया कि नहीं आपका कल्चर खराब है, इस तरीके से। ये क्यों हुआ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव उनके पास वर्णन मौजूद था। उस समय सारा भूगोल इसी तरीके का लिखा गया कि नए देशों का, यूरोप का, जैसे अब एशिया का भूगोल, तो कहा गया कि एशिया के लोग कामचोर होते हैं क्योंकि गर्म प्रदेश में रहते हैं, और ब्रिटेन या यूरोप के लोग शीत प्रदेश में होते हैं तो मेहनती होते हैं। ये सब क्यों कहा गया, क्योंकि उस तरीके से उनको बनाना था कॉलोनी हम लोगों को या यूएस को। फिर धीरे धीरे एक युग आया क्लासिकल ज्योग्राफी का, ये भी अर्ली 20th सेंचुरी का की बात है, मतलब 1900 के आसपास का। इसमें क्या हुआ कि अब जो हमारे पास बहुत सारा डिस्क्रिप्शन हो गया हर जगह के बारे में, इलाहाबाद के बारे में, बनारस के बारे में, अमेरिका के बारे में, यूरोप के बारे में, एशिया के बारे में, तो अब हम लोगों ने क्या कहा कि अब हम इसके के आधार पे, चूंकि सब जगह वर्णन है, थ्योरीज बनाएंगे। और थ्योरीज कैसे बनाया गया, तो क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव जैसे हमने कहा कि चूंकि देखा कि जो गर्म प्रदेश के लोग हैं कम काम करते हैं, तो एक थ्योरी बना दिया उन लोगों ने कि भाई यहाँ के लोग जो हैं आलसी होते हैं। उसी तरीके से देखा कि नदियों के घाटियों में ज्यादा जनसंख्या है, नदी घाटी में ज्यादा जनसंख्या होती है, और इस तरीके से उन लोगों को लगा कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक तरीके से इस समय की क्लासिकल ज्योग्राफी में परिलक्षित होता है। खैर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बाद में आया धीरे धीरे, जर्मन में डेवलप हुआ, जर्मनी में आप लोग पढ़े होंगे रेजल और कुमारी इसी सैंपल को, तो ये डेवलप हुआ। और इस समय लोगों ने क्या किया, अब जो ये डिस्क्रिप्टिव स्टाइल था इसके आधार पे थ्योरीज बनाने जाने लगी, क्लासिकल ज्योग्राफी उसको कहा गया। सिंपल सा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी उसी समय बनी। क्या बनी थ्योरी, कि भाई कि जहाँ पर जो इन्वायरमेंट जो है जो वही सब कुछ नियत करता है, मनुष्य उसी के हिसाब से चलता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रीजनल ज्योग्राफी का समय आया। अब कहा जाने लगा ये रीजन इसमें एक या एक से अधिक तत्वों की समानता है, तो ये एक रीजन हो गया, उसके आधार पे इसमें यूनिक और इम्प्रेसिस्ट एम्पेरिकल रिसर्च क्वेश्चन पूछे गए, ये क्यों अलग है, और एम्पेरिकल मतलब कि वहां से लेके क्वेश्चन, मतलब वहीं से तथ्य इकट्ठा किए गए। दो चीज होता है बेटा, एक एम्पेरिकल होता है और एक रैशनल होता है। रैशनल का मतलब हुआ कि बुद्धि से जो खोजा जाए, और एम्पेरिकल का मतलब हुआ अनुभव से जो किया जाए। तो जो अगर तथ्यों को इकट्ठा करके कोई थ्योरी बनाएंगे तो वो एम्पेरिकल होगा, और अगर हम पहले थ्योरी बनाएंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे तो वो रैशनल होगा। तो पहले तथ्यों को इकट्ठा किया गया था डिस्क्रिप्टिव में, उसके बाद क्लासिकल ज्योग्राफी में उससे थ्योरी बनाई गई, फिर रीजनल ज्योग्राफी आई कि हर रीजन्स के बारे में अलग अलग, जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा गया, ज्योग्राफी ऑफ चाइना लिखा गया, उस तरीके से ये क्वालिटेटिव था और रीजनल डिस्क्रिप्शन पे बेसिक था। और मेजर काम किया गया डिलिनेशन का, कि रीजन्स कैसे अलग हैं एक दूसरे से। तो यहाँ रीजन्स ही स्टडी के ऑब्जेक्ट भी थे और मेथड भी थे। इन दोनों से क्या हुआ कि स्पेशियल और टाइम स्केल में डिक्रीज हुआ। मतलब इसका क्या है कि जब तक डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में थे तो पूरी दुनिया के बारे में हम बात कर रहे थे, अब हम लोग अलग अलग रीजन्स या अलग अलग सिस्टम थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सिस्टम मैंने इस एरिया में या इस रीजन में ऐसे हो रहा है, या जैसे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के थ्योरीज के लिए अलग अलग है ना कि पहाड़ों के लोग ऐसे हो सकते हैं, नदियों के लोग ऐसे हो सकते हैं। तो ये स्पेशियल और टाइम स्केल में डिक्रीज हुआ। उसके बाद एक स्पेशियल साइंस का आया, ये सब अर्ली 20th में चल रहे हैं। स्पेशियल साइंस वाले में हम लोग बात करते हैं कि ये जनरल और थ्योरेटिकल और एम्पेरिकल सब, मतलब थ्योरी भी बना रहा था लेकिन अनुभव से। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सांख्यिकी के आधार पे नियम कैसे बनाया जाए, और ये साइंटिफिक मेथड लाया। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्वालिटेटिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ से साइंटिफिक मेथड आया। एक्चुअली इसकी भी एक कहानी है कि रिचर्ड हार्टसोन, जिनका कल हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे नेचर ऑफ ज्योग्राफी का,
उन्होंने जब किताब लिखी और कहा कि ज्योग्राफी जो है वो डिफरेंट रीजन के यूनिक चीज़ों को बताने का तरीका है कि ये रीजन क्यों डिफरेंट है और कैसा है, तो हर रीजन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्योग्राफर्स को आगे लाना चाहिए। तो क्या हुआ कि एक सेफर थे, उन्होंने इसका प्रतिवाद किया, वो इकोनॉमिस्ट थे और बाद में ज्योग्राफर बने थे सेफर। तो सेफर का कहना था कि नहीं, ज्योग्राफी भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह ज्योग्राफी को भी थ्योरीज और रूल्स बनाने चाहिए। और इस डिबेट को कहा जाता है हार्टसोन सेफर डिबेट। क्या है? हार्टसोन सेफर डिबेट। और इस डिबेट को दूसरे नाम से ये भी कह सकते हैं इडियोग्राफिक वर्सेज नोमोथेटिक का डिबेट। इडियोग्राफिक, आई से आई डी ओ, इडियोग्राफिक वर्सेज नोमोथेटिक। इडियोग्राफिक का मतलब डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री और नोमोथेटिक का मतलब लॉ मेकिंग। ठीक है, तो हार्टसोन इस चीज के पक्षधर थे कि चीजें कैसी होने कैसी हो है ज्योग्राफी में कि डिस्क्रिप्टिव है, हमको डिस्क्रिप्शन करना है। और सेफर ने कहा कि नहीं, कैसी होनी चाहिए तो नियम बनाने वाली होनी चाहिए, रूल्स बनाने वाली होनी चाहिए, थ्योरीज बनाने वाली होनी चाहिए। तो अब अंतर देखिए, हार्टसोन कह रहे हैं भूगोल क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, और सेफर कह रहा है भूगोल को कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लॉ मेकिंग वाला होना चाहिए, नोमोथेटिक होना चाहिए। और हार्टसोन कह रहा है कि नहीं नहीं, ये इडियोग्राफिक है। ये विवाद हुआ और इस विवाद के बाद एक क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हुआ। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन क्या था? क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ने इस चीज की पैरवी की कि भूगोल में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग होना चाहिए और सांख्यिकीय विधियों की सहायता से नियम प्रतिपादित किए जाने चाहिए। और जब नियम प्रतिपादित किए जाएंगे तो वो नियम जो है साइंटिफिक होंगे, और यही मेथड जो है वो साइंटिफिक मेथड है। इस रूप में क्या हुआ, डिफरेंट नियम्स बनने लगे भूगोल में। आप जितने नियम पढ़ते वॉन क्यूनियन से लेके वेबर और क्रिस्टॉलर, ये सारे नियम सीडोर के हैं। इवन क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इतने चरम पे था कि लोगों ने प्रेम को नापने के लिए भी स्केल बना दिए थे कि आप कैसे प्रेम नाप रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि लोगों ने पूछा तो कहा कि चलिए जो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, कम प्रेम करता है वो दूर से ही हाय हेलो करके निकल जाएगा, जो ज़्यादा करता है वो उससे हाथ मिलाएगा, उससे ज़्यादा करता है तो गले मिलेगा, उससे ज़्यादा करता है तो किस करेगा, उससे ज़्यादा करेगा तो अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स की ओर बढ़ेगा। इस तरीके से ये भी स्केल माने गए। इस तरीके से बहुत सारे हर में, भूगोल की हर शाखा में जो है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाने लगा। इसकी दिक्कतें भी हुई बहुत सारी, क्योंकि भूगोल वाले बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे मैथ्स में। साथ ही साथ क्या हुआ, सेपरेशन बढ़ गया फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में। हम लोग का मूल थीम क्या था कि स्पेस में दोनों को इंटीग्रेट करना, पर नियम बनाने के चक्कर में फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में अलगाव हो गया, सेपरेशन बढ़ गया। अब वैसे भी सोच लीजिए, अगर हम लोग ह्यूमन इमोशंस को मापने के लिए स्केल्स बना देंगे, जो कि बेसिकली साइकोलॉजिस्ट करते हैं, पर वो एक्यूरेट स्केल नहीं हो पाता है, वो एक अनुमान होता है और बहुत समय जो है बहुत वो काम की भी चीज़ नहीं होती है, उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर है कि हम उन प्रोसेस को समझें। जैसे जरूरी नहीं है कि, जैसे हमने अभी लव स्केल वाली बात बनाई, जो बनाई गई थी वेस्ट में, तो जरूरी थोड़ी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो हाथ मिलाए ही या वो गले मिले ही या वो किस करे ही। ये तो हर सभ्यता संस्कृति के हिसाब से बदलेगी, लोगों के हिसाब से बदलेगी, नहीं बदलेगी। तो इस हिसाब से ये स्पेशियल साइंस का दौर था जो हुआ। अब हम लोग इसी चारों पे आज कंसंट्रेट करेंगे, और अगले जो चार हैं जो आप देख सकते हैं 1980s के बाद के जो हैं, क्रिटिकल, सोशल, रेडिकल, फेमिनिस्ट और फेनोमेनोलॉजिकल, और इन चारों के बाद लास्ट जो अभी कहते हैं पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट कॉलोनियल और सबल्टर्न वाला, इनके बारे में अलग से देखेंगे। तो क्योंकि ये सारा जो है एक एक या दो दो हम लोग एक में कवर कर पाएंगे इससे। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके बारे में आपको एक असाइनमेंट दिया है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग एग्जाम्स लेने के मूड में ना हो, अगर यही चीज़ें चलती रही तो उसी असाइनमेंट्स को हम लोग अपने इसमें भी कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ आपका नोट्स भी बन जाएगा इसमें। अब आपको करना क्या है, इन चारों के बारे में एक्सप्लोरेशनल फेज क्या था, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन, कॉलोनियल, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, क्लासिकल फेज क्या था, पैराडाइम क्या था ज्योग्राफी का, उसमें क्या क्या हुआ, रीजनल ज्योग्राफी का पैराडाइम क्या था, उसमें क्या क्या हुआ, और स्पेशियल साइंस का पैराडाइम क्या था, उसमें क्या क्या हुआ। इसके बारे में आपको नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स का PDF बनाना है और स्टूडेंट पोर्टल पर जाके अपने अपलोड कर देना है। हम आपको उसके साथ साथ मार्क्स सेंड कर देंगे
और कुछ सजेशंस होगा तो वो भी सेंड कर देंगे, और जिन एक दो लोगों का अच्छा होगा उनके साथ हम कुछ मिला के आपको फिर से दे देंगे कि आप उससे निश्चिंत हो जाइए। एक बार रिवाइज करते हैं फिर से, पैराडाइम शिफ्ट का मतलब, या जो हम लोग बात करते हैं कि चेंजिंग फिलॉसफी का मतलब क्या है, कि भूगोल में डिफरेंट समय किन विचारों, कौन से विचार जो थे वो प्रभावी रहे, उनका क्या मेथड्स था, क्या रिसर्च क्वेश्चन था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, और उसने भूगोल को कैसे प्रभावित किया। तो हम लोग देखते हैं कि शुरुआती समय में एक्सप्लोरेशन या डिस्कवरी से गवर्न था भूगोल या ज्योग्राफी, जिससे क्या हो रहा था, और भूगोल का अध्ययन कैसा था, डिस्क्रिप्टिव या गजेटियर स्टाइल था, जहाँ पे कि जब भी लोग नए नए प्रदेश देश महादेश खोल रहे थे उनके बारे में वर्णन कर रहे थे, विस्तार से वर्णन कर रहे थे, मेथड साइंटिफिक नहीं था बल्कि एक्सप्लोरेटरी था, नई चीज़ों को बस वो एक्सप्लोर कर रहे थे, और इसका उद्देश्य क्या था, कॉलोनी बनाना था, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसा था, कॉलोनियल था, कि दूसरे जो एक्सप्लोर जिसको जिन प्रदेशों को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं उन पर शासन करना है, उनके रिसोर्सेज का जो होस्ट कंट्री के लिए कॉलोनियल पावर के लिए यूज करना है। दूसरा जो था उसके बाद क्लासिकल ज्योग्राफी आया, जब मैक्सिमम प्रदेशों के बारे में डिस्क्रिप्टिव गजेटियर स्टाइल के वर्णन हो गए तो उसके आधार पे क्वालिटेटिव बेसिकली और कहीं कहीं क्वांटिटेटिव थ्योरीज बनाए जाने लगे, और सिंपल सिंपल थ्योरी, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी उसी समय आई इसमें, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था डिटर्मिनिज्म का थ्योरीज था, और मेथड क्वालिटेटिव था मेजॉरिटी में और क्वांटिटेटिव कुछ रूपों में, लेकिन इसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत प्रयोग नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ क्लासिकल ज्योग्राफी के बाद रीजनल ज्योग्राफी डेवलप हुआ, जो इस मामले में भिन्न था, ये जो था एम्पिरिकल मेथड्स पे था और हर रीजन्स की यूनिक क्वालिटी को फोकस करके हर रीजन्स में को अलग अलग दिखाने का प्रयास करता था कि इन रीजन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। रीजनल डिलिनिएशन और डिस्क्रिप्शन पे जोर था कि किन तत्वों के कारण एक रीजन अलग है, जैसे कृषि प्रदेश तो कृषि के फसल के आधार पर बनाए गए, क्लाइमेट के आधार पर प्रदेश बनाए गए, या आप कह सकते हैं फिजियोकल्चरल फीचर्स मिला के, दो तीन फीचर मिला के छोटे छोटे रीजन्स बनाए गए, और फिर उन रीजन का डिलिमिनेशन सीमांकन किया गया और उन रीजन्स का डिस्क्रिप्शन किया गया, इस रीजन में ये मिलता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा क्लाइमेट है, और इसमें क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसका रीजन ही, इसका मेथड भी था, रीजन वाइज अध्ययन भी करना था, और ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी यही था, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था कि रीजन के बारे में बात करना, ऑब्जेक्ट भी यही था कि रीजन ही है, और मेथड भी रीजनलाइजेशन ही था कि रीजनल रूप से हम सबको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये तीनों यहाँ तक सारे जो थे सब डिस्क्रिप्शन में ही थे, बस यहाँ पे नॉर्मल डिस्क्रिप्शन था, मतलब इसमें कोई थ्योरीज नहीं बना रहे थे, यहाँ थ्योरीज बनाना हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन थ्योरीज साइंटिफिक थ्योरीज नहीं थे बहुत हद तक, और यहाँ पे हम लोग रीजन वाइज डिस्क्रिप्शन पे आ गए, जनरल डिस्क्रिप्शन, जनरल थ्योरीज बेस्ड ऑन एविडेंस बट नॉट ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स एंड रीजनल डिस्क्रिप्शन, ये तीन डिस्क्रिप्शन वाला फेज था। पर इस फेज में चूंकि पूरे संपूर्ण को कवर किया जाता था, यहाँ स्पेस और टाइम स्केल घटा और छोटे छोटे रीजन्स को, छोटे छोटे तत्वों को कवर किया जाने लगा। उसके बाद स्पेशियल साइंस का समय आया, स्पेशियल साइंस साइंटिफिक था, इसमें थ्योरीज बनाई गई एम्पिरिकल आधार पे, और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया, मतलब स्टैटिस्टिक्स का आधार लिया गया, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का यूज करके थ्योरी बनाया गया। उसके बाद साइंटिफिक मेथड जो था ये था, क्योंकि ये मैथ्स पे आधारित था तो साइंटिफिक मेथड था, स्टैट्स पे आधारित था साइंटिफिक मेथड था, और उन साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के थ्योरी स्केल्स आदि बनाए गए। उसके इससे क्या हुआ कि ह्यूमन और फिजिक्स का जो था फिजिकल ज्योग्राफी में अलगाव सेपरेशन बढ़ा, और इस हिसाब से हम लोग देखते हैं ये चैप्टर की भूगोल का जो विचार क्रम है, पैराडाइम शिफ्ट है, ये आगे बढ़ रहा है। अब इस रूप में हम लोग इसको यहाँ रोकते हैं और अगले दिन इससे आगे बात करेंगे। अब आप के पास